Aí. Nine. ठीक है जी, द फाइंड द सम ऑफ द सीरीज जैसे कि देखो 7 थोड़ा इसमें टेक्निक लड़ानी पड़ती है थोड़ा सा, जैसे कि 7 कॉमन ले लो आराम से, पहले समझ ले कुछ मेरे काम, 9 से मल्टीप्लाई 9 से हमेशा 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड. अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, अभी धीरे धीरे जीपी में कन्वर्ट हो जाएगी. 10 माइनस 1 100 माइनस 1 1000 माइनस 1, सो 10 वाली सीरीज अलग कर लो, 10 प्लस 100 प्लस 1000, ये 1 1 1 n टाइम्स आएगा तो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस में. लो ये हो गया 10, ये हो गया 10 स्क्वायर, ये हो गया 10 क्यूब. यहां पर सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए आर की पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1 माइनस 10 की पावर एन प्लस 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 9 माइनस. ठीक है जी, 10 माइनस 1 7 बाय 81, बहुत आता है कुछ करो नोट. क्वेश्चन ये अगर ऐसे आ जाए, हमेशा इसी तरीके से चलना है, जैसे ये आ गया क्वेश्चन 5 प्लस 55 प्लस 5 ट्रिपल 5, 5 कॉमन ले लेंगे, बाकी क्वेश्चन तो वही रहेगा. ठीक है, देखने में अजीब लगता क्वेश्चन, पर एक बार जब दिमाग में घुस गया ना, उसके बाद क्या है, अब देखे बगैर अपने आप करो. ठीक है ना, वो तो हम कराते हैं, प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारी अच्छे से.
ठीक है जी, एट कॉमन ले लो, ये कर ले क्वेश्चन तीन लिख के, ठीक है ना, जल्दी कर दे फटाफट, अगले टाइप में चलो। इसमें तीन सब, दो टाइप और भी है ना, सब टाइप। टाइप 9A लिखो, हरिओम। जब मैं टाइप 9A लिखूँ यानी होगा इससे जैसे थोड़ा सा डिफर करेगा, ठीक है, जैसे 8.88 8.888 8.888, सो ठीक है, 8 फॉर्म नहीं, कोई बात नहीं, पहले आप नॉर्मल वैसे ही करना है, कोई वो मत करो, 8.8 8.88, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, अब जरा ध्यान से देना, ये हो जाएगा 10 माइनस 1, ये हो जाएगा 10 माइनस 0.1, ये हो जाएगा 10 माइनस 0.01, सो वन। इस बार 10 तो अपनी जगह स्ट्रेट चल रहा है, तो इस बार ये हो जाएगा 10n, ठीक है, माइनस 1, ये माइनस वाले अलग कर लो सारे, 0.1 0.01, सो वन, 1 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 100, ठीक है जी, ये तो अपना सॉल्व हो गया। अब जो जीपी है ये वाला है, जीपी कौन सा है, ये वाला 10n, लो जी इसमें हो जाएगा a 1 माइनस r की पावर n, क्योंकि सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म r, r इज लेस देन 1, ये होगा 9 बाय 10, लो जी करो लो।
जीपी काफी लंबा पड़ता है, काफी वैरायटी है इसमें। सिक्स कॉमन ले लिया, बाकी स्टोरी वही है। एक कर ले, दो उंगलियों में कर ले।
टाइप लिखो 9B। पॉइंट टू पॉइंट एक डबल टू ये करना था। ठीक है, सो दो कॉमन ले लो, नाइन से मल्टीप्लाई नाइन से डिवाइड, अब जो स्प्लिट बनेंगे वन से बनेंगे, वन माइनस पॉइंट वन, वन माइनस पॉइंट जीरो वन, जीरो जीरो वन, वन 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 क्या हो गया एन, बाकी पॉइंट वन हो जाएगा प्लस पॉइंट, एक बार लिखो अच्छे से ठीक है ना, जिससे कि आपको भी क्लैरिटी रहे क्या कर रहे हैं हम लोग। ये हो गया वन बाय टेन, ये हो गया वन बाय हंड्रेड, ये हो गया वन बाय थाउजेंड, बस इस बार ए क्या हो गया वन बाय टेन और आर भी क्या है वन बाय टेन, ठीक है ना। कुछ मुश्किल नहीं है, मैथ से आसान सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की डिमांड करता है, बाकी इससे आसान कुछ भी नहीं है। ए वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस, ये हो जाएगा टेन बाय नाइन वन बाय टेन, ये टेन से टेन कट गया, और कर लेते हैं इसमें। बात तो नाइन को तो बहुत सिंपल ही हो गया, वो तो आ सकता है, कोई क्वेश्चन तो बन ही सकता है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, वो नहीं बन सकता है, 100% बन सकता है, तो जानबूझ के ऐसा देते हैं जिससे कि नाइन से मल्टीप्लाई नाइन से, उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है कोई, ठीक है ना।
सेवन कॉमन ले लिया, बाकी स्टोरी वही है। जैसे आपने अच्छे से इतने सारे टाइप कर लिए तो आपका दिमाग पक जाएगा, हाँ जी वाकई ये मेरे को आ चुका है, काफी आता है क्वेश्चन, करो नोट करो। परफेक्शन ऐसी आती है ना, ठीक है। अब चलो टाइप 10 पे, उस दिन तुम बात करते ना इन्फाइनाइट सीरीज की, अब इसमें सारे जो क्वेश्चन आएंगे इन्फाइनाइट सीरीज वाले हैं। ये होमवर्क नोट कर लिया, सम टू इन्फिनिट ये होता है एस ए ओवर 1 माइनस आर, और आर हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द आर इफ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 2, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 2 एंड सम टू इन्फिनिटी इज 6, फाइंड आर। तो सम टू इन्फिनिटी होता है 1 ओवर 1 माइनस आर, उसे सम टू इन्फिनिटी दे रखा है, ए भी दे रखा है, आर निकालना है 1/3, तो आर आ गया आपका 2/3। हर हालत में आर जो होना चाहिए 1 से 1 छोटा होना चाहिए, तभी ठीक माना जाएगा। ठीक है ना, आर इज लेस देन। वहां क्वेश्चन फैले होते हैं, यहाँ कलेक्टिवली एक जाएगा तुम्हारा दिमाग भी सेट हो जाएगा, हाँ भी ऐसे होता है। ठीक है, लिखो द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज -4/5 एंड सम टू इन्फिनिटी इज 80/9।
फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड फर्स्ट आर हमें पता ही है 4/5, तो 80/9 9/5 ये घूम के यहाँ आ जाएगा 9/5, तो ए हो गया आपका 16, 16 बन गया, ये हो गया 60। ये कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो, रेगुलरली इसको रिवाइज करते रहो, देखो कोई एक सेकंड भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब थोड़े लंबे आएंगे क्वेश्चन, ट्रिकी लिखो। इफ सम टू इंफिनिटी ऑफ ए जीपी, इफ सम टू इंफिनिटी GP is 15 and sum of square of the series is 45 of this series, of this is 45, find the series। आराम से समझना, क्वेश्चन समझने वाला है। पहली इंफॉर्मेशन है सम टू इन्फिनिटी कितना दे रखा है 15, यानी a ओवर 1 माइनस r। देखो जी घुमा फिरा के में a ओवर r पता लगेगा तभी तो जाके सीरीज कंप्लीट हो, तो सीरीज कंप्लीट नहीं हो सकती। कहता है इन्हीं इसी सीरीज को अगर हम स्क्वायर करके जोड़ें, ठीक है जी, a ए आर स्क्वायर होता है, ए आर क्यूब, ए क्यूब आर सिक्स, तो क्या आता है टोटल कितना बताया इसने 45, ठीक है। इसमें a क्या हो गया a स्क्वायर, r क्या हो गया r स्क्वायर, ये सिचुएशन नंबर 1 होगी, ये सिचुएशन नंबर 2 होगी। इनको आपस में ऐसे सॉल्व करो कि कहानी निपट जाए, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, वो तो सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म करनी पड़ेगी। ए स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, ए ओवर 1 माइनस आर यानी 45 डिवाइडेड बाय 50, एक ये कट गया, वन माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर वन प्लस आर इज इक्वल टू 3, यही बचता ना, एक मिनट चेक करेंगे। रबर मैं एक थोड़ा सा सिस्टम देने ना इसको ना, क्योंकि हमें अगर ऐसे रख के चलेंगे ना तो ए से ए पर अड़ जाएगा, तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड इसमें, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 225, इससे डिवाइड करते हैं, इसे फर्स्ट मान, ये हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर पूरा खत्म करेंगे तभी कहानी बनेगी ना। लो जी ए स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, लो जी ये हो गया 225, नीचे वाला हो गया 45, ये पूरा कट गया आपस में, 1 माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस आर 1 प्लस आर, ये हो गया 5, एक ये भी कट गया। इसमें ना थोड़ा टेक्निकली बहुत सोच के चलना पड़ता है, जैसे इसमें वैसे में कंपेयर करते हैं, यहाँ स्क्वायर नजर आ रहे हैं यहाँ तो स्क्वायर नजर ही नहीं आ रहे, अब डिवाइड करूंगा एक कट जाएगा फिर दो बच जाएंगे, किसी एक को पूरे कट जाना चाहिए, तो इसी का मैंने स्क्वायर कर लिया,
अगर ये इसके बराबर तो स्क्वायर इसके बराबर है, अब सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर, इससे हमारा पर्पस सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। लो जी ये माइनस नहीं क्रॉस इसको इधर ले गए ना, ये हो गया आपका सिक्स आर, आर हो गया माइनस फोर बाय सिक्स, आर हो गया माइनस टू बाय थ्री, आर निकल आया चेक कर लेते हैं, आर ठीक है माइनस टू बाय थ्री ए वन माइनस आर का स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, ये हमारा 45 है यार उल्टा लिख दिया मैंने, वन बाय फाइव, वन बाय फाइव, फाइव माइनस फाइव आर इज इक्वल टू वन प्लस आर, फोर इज इक्वल टू सिक्स आर, आर हो गया फोर बाय सिक्स विच इज इक्वल टू टू बाय थ्री। अच्छा अब इसको किसी एक में पुट कर दो, पहले वाले में पुट करेंगे तो पता रहता है, ए आर हो गया वन माइनस टू बाय थ्री, ए आ गया फाइव, सीरीज वैसे ही बनती है हमारी, ए जीपी क्या होगी ए ए आर ए आर स्क्वायर, सो ए कितना हो गया पांच, दस बटा तीन पांच बीस बटा नौ, सो करो नो जी। देखो इफ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ जीपी इज 15, ये भी एनसीईआरटी में दी, इफ द फर्स्ट sum of GP of infinite series, as you know, of infinite series is 15. If the sum of first two terms of GP of infinite series is 15 and each term is equal to
sum of the odd terms following the series, ठीक है, find the series and each term आराम से समझ लेना फिर कर, ठीक है। पहला क्या बोला है, इनफाइनाइट सीरीज है, पहली दो टर्मों को जोड़े तो क्या आता है 50। पहली सिचुएशन लिखी, यहां के अड़ जाओगे क्योंकि आगे तो कुछ और भी सहारा तो चाहिए होता है, एक इंफॉर्मेशन कभी नहीं होता, हमेशा दो इंफॉर्मेशन चाहिए होती। सेकेंड इंफॉर्मेशन ये बड़ी ध्यान से देखना, जो भी टर्म आप अगर पहली टर्म लेते हो वो बराबर है अगली टर्म्स के सम के, इनफाइनाइट सीरीज है। ए ए तो सब में कॉमन आ जाएगा, ए से कट गया, इनफाइनाइट ए भी आर है और आर तो आर है ही है, वन माइनस आर इज इक्वल टू आर, टू आर, आर की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अच्छा थर्ड स्टेप में आ जाओ, 15 इज सॉरी ए इज इक्वल टू 15 वन प्लस आर, ए आ गया 10। सीरीज कैसे बनाते हैं हम लोग, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, अगर पहला 10 है दूसरा 10 आर 5, लो जी 10 बाय 4 5 बाय 2।
है जी, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बुक्स में फैले होते हैं, अगर आप कलेक्टिवली ऐसे नहीं करोगे ना तो आप खुद बहुत जबरदस्त कंफ्यूज हो, कब क्या आ जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। इसको रिवाइज करने बाद जब कोई भी बुक खोलो कुछ खोलो सब समझ में आ रहा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज रूट टू प्लस वन प्लस वन प्लस रूट टू माइनस वन। ए हो गया आपका आर, हो गया वन ओवर रूट टू प्लस, ठीक है। सम टू इन्फिनिटी निकालना है इसमें भी, टू इन्फिनिटी आर या x इज इक्वल टू वन प्लस, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ, ए क्यू एंड मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन, ठीक है जी। हाँ ये y है, ये b है, वो ए है, ये ठीक है जी। लेट्स प्रूव दैट वन प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई माइनस, ठीक है जी। पहले इसको करते हैं, अगर x किसके बराबर है 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब सो ऑन, तो अगर इसका सम करेंगे इसके 1 ओवर 1 माइनस a आ जाएगा y वाले का। लो जी LHS सॉल्व कर रहे हैं, मान लो y वाले का हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस, अब ये लो जी RHS, जैसे इसका सम किसके बराबर होगा 1 ओवर 1 माइनस ए बी, अच्छा। और हमारे को क्या दिया हुआ है एक्स वाई एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है 1 ओवर 1 माइनस ए 1 ओवर 1 माइनस बी, इसके पास आएगा 1 माइनस बी, इसके पास आएगा 1 माइनस ए और इसके पास आ जाएगा 1 माइनस ए 1 माइनस बी, ठीक है जी। सारा जो खेल है वो सारा खेल है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना आता है आप तो आपके लिए बहुत आसान है। 2 माइनस ए माइनस बी, इसको खोलो 1 माइनस बी
माइनस ए प्लस ए बी, वन को इससे करा इससे करा फिर माइनस ए कर, खोलो ये कट जाएगा आपस में, दो में से एक गया एक और ये बचा माइनस, ये आया ना देख लो एल एच एस, सॉरी ये था ये आर एच एस था, मैंने गलती से लिख दिया, ये एल एच एस ये आर एच एस, ठीक है ना। एल एच एस इज इक्वल टू आर, समझने वाला क्वेश्चन था ये भी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एक्स इसके बराबर है तो पहले एक्स का सीरीज का सम निकाल के रख लिया, वाई इसके बराबर वाई की सीरीज का सम निकाल के रख लिया। अच्छा जी एल एच एस में अब जो प्रूफ इसको करना है तो एल एच एस में देखा ये भी इनफाइनाइट सीरीज है, इसका रिजल्ट इसके बराबर आएगा। अब राइट हैंड साइड में दिया हुआ एक्स वाई एक्स प्लस वाई माइनस वन, एक्स की वैल्यू भी पता है वाई की भी पता है, पुट करा ठीक है, सॉल्व करते करते वही आ गया रिजल्ट एल एच एस के। नेक्स्ट टाइप लिखो, कितने टाइप हो गए, टेन हो गए ना, सेवन पॉइंट सिक्स एट बार, ठीक है ना, जिसपे बार हो ना वो रिपीट कर रहा होता है। तो कैसे लिखेंगे, पॉइंट सिक्स तो पहले लिख लो, एट से पहले क्या है एक है ना, तो पॉइंट जीरो एट, अगला वाला ये इससे पहले दो है तो पॉइंट डबल जीरो एट, पॉइंट ट्रिपल जीरो एट, सो गॉट इट। ये तो अपनी जगह स्टैंड करेगा, जो रिपीट कर रहे थे उससे ही बनता है ना, जो बनता है ये हो गया एट बाय हंड्रेड, ये हो गया 8 बाय 1000, ये हो गया 8 बाय 10000, 6 बाय 10, 8 जो चीज कॉमन निकल सके निकाल लेनी चाहिए, उतनी इजी हो जाती है कैलकुलेशन, ठीक है जी। ये हो जाएगा a ओवर 1 माइनस r, r कितना है 1 बाय r कितना हो जाएगा 1 बाय 10, 1 बाय 10 इनफाइनाइट सीरीज है, 6 बाय 10 8 बाय 100
नीचे आएगा 9/10 बन जाएगा 10/9, यानी 6/10 प्लस 8/90, ये हो जाएगा 54/90 प्लस 8/62/9 करो। ठीक है जी, 0.73 बार, यानी क्या होगा 3 3 3 3 चलता जाएगा से, 0.7 को लग लिख लो, 3 से पहले कितना डिजिट आया 1, तो एक जीरो लगेगी ऑब्वियस, अगले वाले पे डबल फिर ट्रिपल। देखो एक बार दिमाग सेट हो जाए ना बहुत आसान लगती है, कुछ भी नहीं होता कि हो क्या रहा है। 3/100 3/1000 7/10 अपनी जगह रहेगा 3, 1/r, नाइन बाय टेन, लो ये हो जाएगा। अन कर देता हूँ सब हो जाएगा, थोड़ा ना गड़बड़ मत हो जाए ना इसलिए 3/90, 1/30 ये हो जाएगा 21/30, 22/30 और शॉर्ट हो जाएगा 11/15, 11/15 देखो 9.2 में 18 क्वेश्चन दिए, पी किसमें देखो 32 दे रखे हैं, उसमें मैक्सिमम तो खैर आपके निपट ही गए।
इज 1.15 बार, तो यानी कि 15 15 15 ऐसे चलेगा, 1 तो ऐसे ही रहेगा प्लस ये हो जाएगा 0.15। ये 0.15 से पहले कितने नंबर आए हैं, 2, 0.0015, 0.0060, 2, ठीक है ना, सॉरी ये 2 4 डबल डबल होते जाएंगे ना, इससे गिन लो ना पहले, इससे पहले कितने डिजिट नजर आ रहे हैं, 4 4 जीरो डबल, ये हो गया 15/100, ये हो गया 100 डबल, ठीक है 1/100, 1/10,000, ए क्या हो गया 1/100 और आर भी कितना है 1/100, लो अंदर ही अंदर बच्चा 1/99, यानी कि 114/90। कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत, उसने एक दिखाने का तरीका होता, सॉल्व तो मैंने दो से ही कर दिया ना, प्रेजेंटेशन दे रहा है। मैं नीचे ही आ रहा था, एक और देखो आज के लिए, ट्रिग्नोमेट्री सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब चार पांच ऐसे मोटे मोटे चैप्टर हैं, काफी डेप्थ है उनमें, उसको ढंग से करना पड़ता है बड़े। ये देखो अभी आया 0.7/2 बार, 712 712 712, 0 तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 0.712, इससे पहले कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना, 3 लगा दें 0, ये हो गया 712/1000, ये हो जाएगा 71/2, कितने 6 है ना, ये 6 0 लग जाएगा, लो जी 7/2, ये जो कॉमन नजर है कॉमन निकाल लेना चाहिए फट से, a ओवर 1 माइनस आर, लो 1/199 बचेगा, 712/999, ठीक है जी, ये लिख।